जम्मू कश्मीर में आने वाले 18 घंटों में जो है मौसम में तब्दीली देखी जा सकती है। जी हाँ, द यूनिक न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ मायरा बट। आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने जो है एक वार्निंग जारी की है, जिसमें ये कहा है कि अगले 18 घंटों तक जो है मौसम में तब्दीली जो है वो देखी जा सकती है। आपको बता दूं इसी के साथ के पीर पंजाल रीजन के पुंछ ज़िला के लॉरेन वैली में जो है सीजन की पहली बर्फबारी हो चुकी है। जी हाँ, वहीं कश्मीर की बात की जाए तो गुलमर्ग में भी जो है हल्की बर्फबारी चल रही है। मैदानी इलाकों की मैं बात करूं तो जम्मू में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मौसम में है वो बदलाव जो है देखने को मिल रहा है। अभी भी इस वक्त जो मैं देख पा रही हूं तो क्लाउडी जो है मौसम हमें दिखने को मिल रहा है। वहीं बता दूं कि मौसम विभाग ने 18 घंटों तक जो वार्निंग जारी की है उसमें कहा गया है कि काफ़ी जो तब्दीलियाँ हैं वो मौसम में देखी जाएंगी। वहीं मैं बता दूँ कि मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके चलते आपको बता दें कि आज दोपहर यानी कि आज 16 दिसंबर है, दोपहर के बाद जो है ऊंचाई वाले जम्मू कश्मीर के नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बर्फबारी जो है होने की संभावना है। वहीं 17 से जो 23 दिसंबर तक मेनली मौसम खुश्क रहेगा यानी कि ड्राई रहेगा। आपको इसके साथ मैं बता दूं कि अगर आप लोग जो है मुगल रोड से ट्रैवल करने वाले हो या ट्रैवल करने का जो प्लान है आप बना रहे हैं तो मैं बता दूं कि मुगल रोड को जो है बंद कर दिया गया है। जी हाँ, पीर की गली में जो है बर्फबारी की वजह से मुगल रोड को बंद कर दिया गया है। अक्सर हमने देखा है कि पहले भी जो है पीर की गली में बर्फबारी के कारण जो है मुगल रोड को बंद किया जाता था और आज भी उसे बंद कर दिया गया है। अगर आप ऐसा कुछ प्लान बना रहे हैं कि मुगल रोड से आपको जाना है या फिर कुछ भी ऐसा प्लान है तो सबसे पहले जो है ट्रैफिक पुलिस से आप ज़रूर संपर्क करें, उनसे कांटेक्ट करें और कांटेक्ट करने के बाद जो है पूरी रिपोर्ट जो है उनसे लें, उसके बाद ही आप जो है वो ट्रैवल करें। इसके साथ साथ बता दूं कि 24 से 16 दिसंबर तक जो है जनरली मौसम जो है वो मौसम क्लाउडी रहेगा और ऊंचाई वाले इलाकों पर जो है लाइट स्नोफॉल जो है उसके होने की जो है वो पॉसिबिलिटी है। तो मैं आपको बता दूं कि अगले 18 घंटों तक जो है मौसम विभाग ने ये जो चेतावनी है वो जारी की है, जो वार्निंग है वो जारी की है कि अगले 18 घंटों में जो है मौसम में काफ़ी ज़्यादा जो चेंजेस है वो देखने को मिलेंगी, काफ़ी ज़्यादा जो तब्दीली है, जो बदलाव है वो देखने को मिलेगा और सीज़न की पहली बर्फबारी जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीर पंजाल रीजन में जो है वो हो चुकी है। वहीं कश्मीर की बात करूँ तो गुलमर्ग में जो हल्की हल्की जो बर्फबारी है वो भी हो रही है। वहीं अगर मैं टूरिज़्म की बात करूँ तो इससे जो टूरिज़्म को है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बूस्ट मिलेगा, लोग जो है पसंद करते हैं, कुछ लोग बर्फबारी वाले इलाकों में ऊंचाई वाले इलाकों में जाना तो कुछ लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन जो भी लोग मुगल रोड से ट्रैवल करेंगे उनके लिए मैं बता दूं कि मुगल रोड को जो है बंद कर दिया गया है बर्फबारी के कारण। मुगल रोड को खुलने के लिए आपको ट्रैफिक पुलिस को जो है संपर्क करना होगा, कॉन्टैक्ट करना होगा, उसके बाद ही जो है आपको ट्रैवल जो है वो करना चाहिए। तो ये थी मौसम के रिलेटेड जानकारी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप ऐसे ही देखते रहिए द यूनिक न्यूज़।